यस आपको देख रहा है। डे थ्री का मैं आज सभी की कॉपी चेक करके सेंड कर दूंगा आज, है ना, जितने भी आप लोगों के रह रही है आज हम पूरी कॉपी चेक करके सेंड कर दूंगा। डे 5 तक की कम से कम आपके पास आजानी चाहिए। और अभी तो खैर कई लोगों का मन नहीं कर रहा होगा, लेकिन आप जब भी टाइम मिले, आप जब भी मन करे, आपका अच्छे से धैर्य से आंसर राइटिंग जरूर करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था इस बार, डे 3 में कोई क्वेश्चन ज्यादा टिपिकल नहीं था। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, GS3 का क्वेश्चन था ये। और GS3 में नॉर्मली अगर हम देखते हैं, एक मिनट, जो GS3 का क्वेश्चन था, बेसिकली मैं यहाँ आपको अच्छे से समझाता हूँ। GS3 का क्वेश्चन था ये, और ये एग्रीकल्चर को लेकर के था, ठीक है ना। विशेषकर एग्रीकल्चर का सिंपल क्वेश्चन, GS3 की एक खास बात ये होती है दोस्तों, आप ध्यान रखना ना, आज कॉपी हम शेयर कर देंगे, जिसकी भी कॉपी चेक नहीं हुई। आवाज आ रही है सभी को और स्क्रीन दिख रही है? मैं क्वेश्चन आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, क्वेश्चन क्या होगा हमारा। आवाज आ रही है सर और श्योर, स्क्रीन भी दिख रही है। स्क्रीन देख रही है? ओके, थैंक यू। तो हमारा जो क्वेश्चन था, ये GS3 का क्वेश्चन था, कृषि को लेकर के था। कृषि के अंतर्गत जो भारतीय कृषि है, उसमें उत्पादन, ठीक है ना, उसके वितरण और उसके विपणन, ध्यान रखना, तीन अलग अलग टर्मोलॉजी है। विपणन के समक्ष जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को और साथ ही उनके समाधानों के बारे में पूछा था। ठीक है ना, ये आपके क्वेश्चन था, बिल्कुल बहुत सिंपल था, कि जो कृषि है उसके अंतर्गत जो जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को आपको बताना है। लेकिन इसमें क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात, आप सभी लोगों ने अच्छा किया था, है ना, क्योंकि क्वेश्चन पूरा वे फॉरवर्ड था। लेकिन एक चीज हमेशा यह ध्यान रखना कि GS3 के अंतर्गत जब भी आप तैयारी करो अपनी, GS3 के अंतर्गत मैं एक चीज बता रहा हूँ, GS3 के अंतर्गत लोगों के मार्क्स है वो कम आते हैं कई बार। उसका एक रीजन क्या है कि GS3 बहुत सारी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछती है, बट फैक्ट और एग्जाम्पल बेस्ड ज्यादा होते हैं। यदि इनके क्वेश्चनों में आप ज्यादा फैक्ट और एग्जाम्पल, या कोई कह सकते हैं कोई रिपोर्ट्स, कोई डायग्राम्स, उस चीज को यदि यूज नहीं कर पाए, तो इसमें नंबर लेना आसान नहीं हो पाता। इसलिए कई बार बहुत सारे लोगों के और सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ जाते हैं, लेकिन GS3 में 80 से भी नीचे रह जाते हैं। आपके देख सकते हो मार्कशीट, देख सकते हो बहुत सारे लोगों की। तो ये चीज हमें यहाँ देखने को मिलती है, क्योंकि GS3 का जो पैटर्न है, आप देख सकते हो कि बड़ा सिंपल पैटर्न है हालांकि, लेकिन हमें थोड़ा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इसमें जनरेट करनी होती है। इसलिए GS3 को लेकर के आप टॉपिक बाई टॉपिक थोड़ी सी अपने नोट्स या अपनी तैयारी को थोड़ा मजबूत कर लें। हालांकि क्वेश्चन के साथ साथ हम इतना फैक्ट तो आपको दे देंगे जिससे आपका काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी आप जैसे पूरे GS3 के 4 सब्जेक्ट है जो भी, आप उनको अच्छे से तैयार करिए और उसमें बहुत अच्छे से नंबर, GS3 में आप 130+ नंबर अच्छे कर सकते हो। बस इसमें थोड़ी सी मेहनत आपको फैक्ट के लेवल पर, उसको आंसर राइटिंग के लेवल पर, उसको प्रेजेंट करने के लेवल पर आपको करनी होगी। ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। ये बताओ, कौन आप में से किसी को ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आया था? क्योंकि तो बिल्कुल पूरा बे फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इसमें कोई ऐसी टिपिकल चीज नहीं थी, ठीक है ना, जिससे कि समझ में ना आए। तो क्वेश्चन मैंने आप सब बोल ही दिया कि क्वेश्चन बेसिकली ये था कि भाई आपके जो कृषि है, उस कृषि के समक्ष विपणन, विपणन की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और कृषि क्षेत्र के सतत और समावेशी विकास हेतु उसके समाधान बताइए। ध्यान रखना कि कृषि सतत हो और समावेशी हो। उसके लिए समाधान, ध्यान रखना, सबसे बड़ी क्वेश्चन मान ली, सतत और समावेशी समाधान आपको बताने हैं इसके। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या है कि बहुत सारे लोगों के साथ गलती क्या हुई कि आप लोग समाधान तो बता रहे थे, लेकिन समाधान या कोई समाधान बता तो डायरेक्टली आप क्या पॉइंट वाई या मुद्दे वाई नहीं गए।
जैसे अगर मैं आपके समक्ष बात करूं, जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, ये आपके सामने खुल रहा है, ये क्वेश्चन था। तो बेसिकली देखो, यहाँ स्टार्टिंग में अगर ये बात करोगे, आप यहाँ देखा होगा आपने, ये बेसिकली इंट्रोडक्शन में आप इतना सा लिख सकते हो कि भाई भारतीय एग्रीकल्चर है उसका इकोनॉमी में क्या महत्व है। तो भारतीय कृषि का आप महत्व बता सकते हो इसके माध्यम से। तो इंट्रोडक्शन बड़ा ही सिंपल कर सकते हो। इंट्रोडक्शन जब भी कृषि का आए, ये तीन चार कीवर्ड हमेशा याद रखना, इनसे आप अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो। ये बहुत बढ़िया होता है एग्रीकल्चर का जब भी क्वेश्चन आए। तो इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं आपसे, इसके इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो इंट्रोडक्शन में एक चीज ध्यान रखना कि कृषि से संबंधित जब भी आपका कोई इंट्रोडक्शन आया, तो एक लाइन आपको मैं बताता हूं कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। ये बात सही है, ठीक है ना? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था एवं ग्रामीण विकास का आधार है। ये कभी भी लाइन कृषि को जब भी आप आंसर राइटिंग करें, कृषि से संबंधित कोई भी चीज आप लिखें, तो ये चीज हमेशा याद रखना कि कृषि है वो भारतीय अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास का आधार है। ये इंट्रोडक्शन की लाइन हो सकती है आपकी जब भी कोई कृषि का क्वेश्चन आपके समक्ष आए तो, ठीक है ना? तो ये भारतीय कृषि है वो भारतीय अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास का आधार है, जो ध्यान रखना, जो रोजगार, खाद्य सुरक्षा, जो रोजगार, खाद्य सुरक्षा, और अगर हम कह सकते हैं कि व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है? मेन पॉइंट इसका ये, फूड सिक्योरिटी जो SDG 1 है आपका, SDG 1 2 जो भी टारगेटेड है, उसको प्राप्त करने में कृषि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का यह आधार होती है, ध्यान रखना। इसलिए जब भी आप कृषि की बात करते हो, तो हमेशा केवल ऐसा नहीं किसानों की इनकम ही बढ़ेगी, कृषि केवल किसानों की इनकम नहीं, किसानों की जब इनकम बढ़ती है तो उनकी वस्तु की खरीदने की क्षमता बढ़ती है, वो आय सृजन ज्यादा करते हैं, तो डिमांड ज्यादा बढ़ाते हैं, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लघु कुटीर उद्योगों के माध्यम से इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होती है। तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि यदि हमें ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है तो कृषि को जरूर आगे बढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन जस्ट सिंपल था, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं बता, क्वेश्चन जस्ट इतना था कि कृषि के उत्पादन, वितरण और विपणन हर लेवल पे आपसे चुनौती पूछी है। उत्पादन के लेवल पे पूछी है, वितरण के लेवल पे पूछी है, और मार्केटिंग के लेवल पर आपसे चुनौती पूछी है, और समाधान में शब्द लिखे उसने कि समाधान ऐसे बताओ ताकि कृषि सतत और समावेशी हो सके, ठीक है ना? इन समस्याओं का समाधान भी इन्हीं स्तरों पे आपको बताना है। तो मैंने जस्ट एक इंट्रोडक्शन लिखा कि भाई कृषि का जब भी आपके समक्ष एक क्वेश्चन आए, तो आप इतनी सी लाइन, कृषि से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आए, आप इसको स्टार्ट कर सकते, ठीक है ना? या कई ऐसे की बात करो, कहीं भी आप इस तरह की चीजों की बात करो, तो ये चीज आप स्टार्ट आराम से कर सकते, ठीक है ना? अगली बात, अगर इसमें आगे हम आगे बढ़े इसमें, तो आगे सबसे बड़ी बात यह है, इसको मैं हटा रहा हूं थोड़ा सा, ये दोबारा आपको शेयर करूंगा, ठीक है ना? आगे देखो, इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया कि कृषि का इंट्रोडक्शन आपको कैसे करना है। अब अगला ये है कि देखो, जब भी आप इसको दो तीन चीजों से दिखा सकते हो कि कृषि का इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या रोल है, यहाँ एक चार्ट बना सकते हो सिंपल से, ठीक है ना? एक सिंपल सा चार्ट बना सकते हो, जैसे मान लो 56% है इसका रोजगार में रोल है, लगभग 80% है कृषि का किस में रोल है, आप सभी जानते हैं 80% भारतीय GDP में रोल है। इसी प्रकार मैं कह सकता हूँ 60% आबादी, लगभग 60% आबादी की देती है, और इतना ही नहीं, 54% जो भूमि है भारत की वो कृषि है, ठीक है ना? तो ऐसे करके आप एक ब्रैकेट का ऐसे दिखा करके चित्र इसमें बना सकते हो साइड में, तो इससे कि आप अपने डायग्राम में उसको यूज कर सकते, ठीक है ना? तो डायग्राम वही यूज करें जहां आपको जरूरत हो, अनावश्यक डायग्राम की जरूरत नहीं है, अनावश्यक रूप से हमें डायग्राम है उसका यूज नहीं करना है, जहां पर जरूरत है उतना ही डायग्राम हमें यूज करना है, ठीक है? तो यहां तक कोई समस्या आपको? जस्ट सिंपल सा बताया कि कृषि के बारे में मैंने स्टार्टिंग कर दी कि कृषि का सिस्टम क्या है, और इसके अलावा कृषि से जुड़ी हुई जो चीजें हैं कि कृषि का इंडियन इकोनॉमी में रोल है, वो एक मैंने किसके माध्यम से दिखा दिया आपको, इस चित्र के माध्यम से उसको मैंने दिखा दिया, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? हेलो, प्लीज बोलते जरूर रहना, एक चीज ध्यान रखना, आप लोग जरूर बोलते रहना ताकि इसको थोड़ा सा हम आगे तक कर सकें। यहाँ तक कोई कोई दिक्कत प्रॉब्लम आपको? नहीं यस, है सर। जाना है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आगे अच्छा बढ़े हम। यस, तो ये डायग्राम आपको दिखाना है, ठीक है ना? एक सिंपल से, हाँ अब इंट्रोडक्शन से जैसे खत्म होता है, तो ये बात सही है, आपको फर्स्ट लाइन लिखनी है भाई, ये बात सही है कि इसका महत्वपूर्ण योगदान है, कृषि का महत्वपूर्ण देखे योगदान है, परंतु कृषि के समक्ष कई चुनौतियां हैं जो इसके उत्पादन के लेवल पर है, ठीक है ना, इसके विपणन के लेवल पर है, और इसके, प्लीज म्यूट करें, प्लीज जिसका भी आवाज आ रही है प्लीज म्यूट करें,
आपको अब लाइन कनेक्ट करनी है। बहुत सारे लोगों ने अच्छा लिखा था, सब कुछ अच्छा किया, हमेशा एक ध्यान रखना है, जब भी आप दूसरे पैराग्राफ पे जाओ तो आपकी पैराग्राफ में कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। पैराग्राफ कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है क्योंकि तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहती है। हाँ, इकोनॉमिक्स के बारे में हम बात करेंगे, मैं अभी एग्रीकल्चर के क्वेश्चन के हम डिस्कशन कर लेते हैं उसके बारे में, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात, ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह कि इसका महत्वपूर्ण लेवल पे पहले योगदान बता दिया, अगला पैराग्राफ में हमें जाना है इसका महत्वपूर्ण योगदान तो है लेकिन इसके समक्ष चुनौतियां हैं। और आप लोगों ने सबसे बड़ी गलती, कई लोगों ने ये करी जो मैंने देखा, सबसे बड़ी गलती आप लोगों की ये रही कि आपने चुनौती एक साथ ही बता दी, एक साथ, जबकि क्वेश्चन खुद कह रहा है कि आप उत्पादन के लेवल पे बताइए, आपको वितरण के लेवल पे बतानी है, आपको विपणन के लेवल, मार्केटिंग लेवल पे भी इसकी समस्या है वो बतानी। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मेरा आंसर कॉपी चेक की तो मुझे लगा कि बस एक बार चुनौतियां बता दी, अब चुनौती में कोई लिख रहा है कि भाई हमारे यहाँ सिंचाई क्षेत्र कम है, आप सिस्टमेटिकली नहीं लिखे, आप सभी चीज को एक साथ चुनौती में प्रेजेंट कर रहे हैं। एक्चुअली में क्वेश्चन 250 शब्दों का है, 15 नंबर का है, आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी था, और स्पेशली मुद्दे वाइज कि उत्पादन के लेवल पर क्या क्या चुनौतियां हैं, वितरण के लेवल पर क्या क्या चुनौतियां हैं, ठीक है ना, इसी प्रकार मार्केटिंग के लेवल पर क्या क्या चुनौतियां, वो आपको बतानी है पॉइंट वाइज, मुद्दे वाइज, मुद्दे वाइज, उससे आपका क्वेश्चन है वो ज्यादा अच्छा लगेगा, बजाय आप डायरेक्टली एक साथ बताएं, ठीक है ना। अगर आपसे ना भी पूछी गई हो कि कृषि के समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी है, तब भी आप हमेशा उसको जितना अच्छा हो सके उसको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे तो उतना ही अच्छा आपका आंसर होगा। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें, सबसे पहले अगर हम बात करें उत्पादन के लेवल पर, जैसे मैं पहले चुनौती बात कर रहा हूँ उत्पादन के लेवल, कि उत्पादन के लेवल पर कौन कौन सी चुनौतियां हैं, आप सभी जानते हैं उत्पादन के लेवल पर पहली चुनौती है सिंचाई की समस्या, क्योंकि भारतीय कृषि किस पर निर्भर है, मानसून पर निर्भर है। आपको एग्जाम्पल दे सकते हो, 60% जो भारतीय कृषि है वो मानसून पर निर्भर है, और मानसून पर निर्भर होने की वजह से इसमें क्या होता है, अनियमितता होती है, आप सभी जानते हैं मानसून अनियमितता होती है, और अनियमितता की वजह से भारतीय कृषि के उत्पादन के पूरी तरह इफेक्ट करता है। और आप देख सकते हैं कि जब मानसून, ध्यान रखना, जब मानसून अच्छा होता है तो हमारी कृषि की वृद्धि दर बढ़ती है, और जब मानसून खराब होता है तो भारतीय कृषि की वृद्धि दर है, जब ये खराब होता है तो भारतीय कृषि की वृद्धि दर घट जाती है। इसका आप डेटा ले सकते हो, जैसे 2000 दो तीन चार साल पहले मतलब मानसून खराब रहा तो हमारी कृषि की विकास दर है वो माइनस में रही। तो ये बिल्कुल लग रहा है कि एक सबसे बड़ी समस्या है सिंचाई के स्तर का, ये तो लिख ही सकते हो ना, और आपको एग्जाम्पल उसको थोड़ा लिखना है, अमूर्त नहीं छोड़ना है। जैसे कई बार क्या करते हैं हम डायरेक्ट लिख देते हैं सिंचाई की समस्या, अब सिंचाई की समस्या आपने लिख दी लेकिन उसको थोड़ा तो बताओ कैसे, कि भाई 60% भारतीय कृषि है मानसून पर डिपेंड है, उसमें अनियमितता रहती है, और कृषि का और मानसून के उत्पाद, कृषि और मानसून के उत्पादन से उसका सीधा संबंध है, सॉरी मानसून से कृषि के उत्पादन का सीधा संबंध है, यदि मानसून खराब होगा तो हमारी कृषि खराब होगी, यदि मानसून अच्छा होगा तो हमारी कृषि अच्छी होगी। इसमें आप इकोनॉमिक सर्वे में कई फैक्टर दिए हुए थे तो इसको आप यूज कर सकते, ठीक है ना, एक सिंपल सा, ठीक है ना, ये तो आप लिख सकते हो। दूसरा, आपको हो सकता है कि आपके लेवल पर बहुत सारे इसमें और भी वो हो, आप बोल सकते हो, चलो बताइए उत्पादन के लेवल पर और समस्या क्या है, अब लाइव जुड़े हुए तो बताइए, अदरवाइज मैं वन वे तो बता ही दूंगा, उत्पादन के लेवल पर और क्या समस्या है बताओ प्लीज। किसानों के पास सर होता है, क्योंकि 85% किसान हैं वो निचले स्तर के हैं, सीमांत है अपने यहाँ। यस चलो, और एक बात, ये पॉइंट बिल्कुल सही है, मैं लिख सकता हूं कि कृषि की जो लागत है, कृषि की आगत है ना, उन आगतों की समस्या डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब आगतों में अपने तीन चार पॉइंट आ सकते हैं, आपके खाद भी आ सकते हैं, आपके बीज भी आ सकते हैं, आपके उर्वरक भी आ सकते हैं, ठीक है ना। ये है, आप सभी जानते हैं बीज में, भारत का बीज का उत्पादन यह है कि वो 1.4, यानी कि जब खेत में चार बीज बोए जाते हैं तो एक बीज उगता है, उसकी प्रोडक्टिविटी है 25% है ना। खाद उर्वरक की देखें तो उर्वरक आप सभी जानते हैं कि यूरिया पे हम डिपेंड है, और यूरिया का जो अनुपात है NPK पोषण का अनुपात है वो 4:2:1 होना चाहिए, लेकिन अभी रिपोर्ट्स आई है उसमें बोला गया कि कई जगह ये ऐसे है ऐसे, तो कह सकते हैं कि उर्वरक का एक तो पहली बात संतुलित यूज नहीं हो रहा है, या और उर्वरक में लागत बहुत ज्यादा है,
एक समस्या, एक समस्या है, बीज है उसमें गुणवत्तापूर्ण नहीं है, अच्छे किस्म के बीज नहीं है, ठीक है ना, ये समस्या है। लेकिन आपको ध्यान रखना, जो समस्या आप बता रहे हैं, जब आप इनके आगे समाधान लिखोगे तो समाधान भी आपको कौन से बताने हैं, इन समस्याओं के सतत एवं समावेशी, कौन से सतत एवं समावेशी समाधान बताने हैं, ठीक है आगे। तो इसलिए इन चीजों को ध्यान रखना जिन पॉइंटों को आप लिख रहे हो। चलो अच्छा पॉइंट है कि मैंने डायरेक्टली कृषि आगतों को एक साथ ले लिया, ताकि आप खाद बीज उर्वरक रासायनिक जो भी है वो सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। अगली समस्या, अगली समस्या बताइए और बोलिए। इसी से ऊर्जा की उपलब्धि आवाज क्लियर नहीं आ रही मैडम आपकी। देखो मैं बताता हूँ, एक समस्या और है जो किसानों के समक्ष सबसे बड़ी बात है। किसान में कृषि मतलब एक कह सकते हैं हम ऋण एवं प्रौद्योगिकी की अपर्याप्त, टेक्नोलॉजी की अपर्याप्त पहुंच सबसे बड़ी बात है किसानों के पास। इसलिए तो प्रधानमंत्री सम्मान योजना चलाई गई है, किसानों के पास लोन की फैसिलिटीज स्पेशली नहीं हो पाई जाती, इसकी वजह से वो कृषि में निवेश नहीं कर सकते। और लोन क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि आप सभी जानते हैं भारत के 85% किसान है वो कैसे हैं, लघु एवं सीमांत, ठीक है ना। और लघु एवं सीमांत किसान होने की वजह से ना तो ये अच्छे से प्रौद्योगिकी का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, और ना ही ये अच्छे से, ना तो ये अच्छे से प्रौद्योगिकी का यूज कर सकते हैं, और ना ही अच्छे से इनके पास ऋण की सुविधा होती है, क्योंकि इनके पास इतनी जमीन नहीं होती कि ये किसान क्रेडिट स्कीम के अंतर्गत लोन ले सके। इनके पास इतनी क्षमता नहीं, कई बार इनके पास इतना रिकॉर्ड नहीं होता कि प्रधानमंत्री सम्मान योजना के अंतर्गत भी 2,000 रुपये नहीं ले सकते, कई ऐसे किसान भी है। तो जब कृषि में अगर किसान किसान यदि लोन में फंसे रहेंगे, किसानों के पास ऋण पैसे की सुविधा नहीं होगी, तो आप सभी जानते हैं कि ना तो अच्छे से प्रौद्योगिकी का यूज कर पाएंगे और ना ही अच्छे से कृषि में निवेश हो पाएगा, ठीक है ना। इससे कृषि निवेश घटेगा, और जैसे कृषि निवेश घटेगा कृषि कभी भी लाभ का स्रोत नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। एक चीज ये है, इसको आप डाल सकते हो इसमें, ठीक है ना, क्योंकि हमारे 85-86% किसान लघु एवं सीमांत ये बड़ी समस्या बनी हुई है, ठीक है ना। अगली बात, एक पॉइंट और लिख सकते हो कि भाई हमारे पास कई लेवल पर कृषि के क्षेत्र में कई लेवल पर अपर्याप्त बुनियादी ढांचा है, ठीक है ना। इसको आप अब यहां भी डाल सकते हो, ये तो हर जगह आएगा, आपके उत्पादन में भी आएगा, ये आपके मार्केटिंग में भी आएगा, और ये आपके विपणन में भी आएगा, वितरण में भी आएगा। जैसे वितरण में कैसे आएगा कि भाई वितरण में है कि मार्केट तक पहुंच करने के लिए आपके पास परिवहन की सुविधा नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा कई गांवों में तो सड़कें ही नहीं है, अब बेचारा किसान दूसरे जगह शहर में जाके बेचने से अच्छा है को वहीं पर ही उसको बेच देता है, तो उसकी समस्या है। तो बुनियादी ढांचा नहीं है, इसके अलावा अब कई बार परिवहन कनेक्टिविटी नहीं है, बाजार की सुविधा नहीं है, और इसकी वजह से किसान अपनी फसलों को जल्दी बेच देते हैं, मुनाफे नहीं कमा पाते, और इसी की वजह से सबसे बड़ा नुकसान होता है कि उनकी आय है वो घट जाती है और कृषि का निवेश है वो घट जाता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे पॉइंट है उत्पादन के लेवल पर, आप और भी लिख सकते हो। सबसे बड़ा पॉइंट जो इस बार यूपीएससी ने प्रीमियम लगभग लगभग ऐसा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना, एक पॉइंट है कि हमारे यहाँ जो प्राकृतिक संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका अनुचित प्रयोग बहुत ज्यादा होता है, या मैं अनुचित से अच्छा है कि अवैज्ञानिक प्रयोग करते हैं। जैसे सभी ने पॉइंट लिखे, लेकिन मैं भी अपने पॉइंट बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है आपके पॉइंट सही नहीं थे, सभी के पॉइंट अच्छे। जैसे आपने देखा होगा, आप चाहे जल की बात करें, हम कृषि में जल का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, है ना, इसी प्रकार से हम भूमि भी बहुत अनुपजाऊ कर देते हैं उसको। इनमें आप देख सकते हो चीन और कनाडा की पर हेक्टेयर उत्पादन की क्षमता से हमारा बहुत कम उत्पादन होता है, पर हेक्टेयर उत्पादन की क्षमता से, और हम उनसे ज्यादा जल का यूज करते हैं, इसलिए कई बार देखने को मिल जाता है कि भारत जल निर्यात करता है। एक कॉन्सेप्ट सुना होगा आपने, भारत जल निर्यात करता है। जल निर्यात का मतलब कैसे, कि 1 केजी चावल में हम मान लें 4,000 लीटर पानी यूज कर रहे हैं, और चाइना 1 केजी चावल में 2,000 लीटर यूज कर रहा है, यदि हम चावल बेचेंगे दूसरे देशों को तो हम क्या कर रहे हैं, 2,000 लीटर जल बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो जल का ज्यादा यूज करने की वजह से, अब इस अवैज्ञानिक प्रयोग करने की वजह से ग्राउंड वाटर की समस्या आ गई है, इसकी वजह से आप फिर से मानसून पे आपको डिपेंड होना पड़ेगा। यदि आपके पास इसका सिस्टमेटिकली तरीका होता, कोई तकनीक होती, आप चाहे माइक्रो इरिगेशन वाली तकनीक होती, तो आप अच्छे से कृषि को कर पाते। क्योंकि मैंने इसका इसलिए लिया गया है क्योंकि हमें आगे समाधान देना है सतत एवं समावेशी कृषि का, ठीक है ना, इसलिए प्राकृतिक संसाधन के पॉइंट को हमने लिया। इसके बाद अगली समस्या अगर हम बात करें दोस्तों, अगली समस्या आप वितरण के लेवल पर है, वितरण के स्तर पर, ठीक है ना।
ऐसा नहीं है आप छोटे छोटे पॉइंट लिखोगे तो ज्यादा टाइम नहीं लग पाएगा। वितरण के लेवल पर पहली समस्या तो आप सभी जानते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की सबसे बड़ी समस्या है, आप सभी जानते हो, परिवहन की समस्या। और परिवहन नहीं होने की वजह से ना तो आप मार्केट में पहुंच पाते हो, है ना, ना ही आपकी कहीं और जगह रीच हो पाती है, और इसकी वजह से आप फसल का अच्छे से उत्पादन है वो नहीं बेच पाते हो, और किसान है कम मूल्य में ही अपनी फसल उनको बेचनी ही पड़ती है। इसके अलावा वितरण के दौरान इनको कई बार बिचौलियों के साथ सामना करना पड़ता है, बिचौलियों की समस्या, सही है ना, बिचौलियों की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। और क्यों करना पड़ता है, देखो आप बहुत सारे लोग हो सकता है इस एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हो लेकिन नहीं जुड़े हुए, बताता हूँ। जैसे गांव में क्या करते हैं, खेती करते हैं, खेती करने के बाद पहली बात तो लघु सीमांत किसान है, उसके बड़ी मुश्किल से 10 क्विंटल 4 क्विंटल की फसल का उत्पादन होता है। अब 4 क्विंटल फसल के लिए वो कोई ट्रांसपोर्टेशन तो कर नहीं सकता क्योंकि उसकी कॉस्ट इतनी आ जाएगी कि उसको कुछ बचेगा नहीं। अब जब तक वो 4 5 आदमी या तो इकट्ठे नहीं होंगे तब तक वो दूसरी जगह नहीं बेच हाँ सकता, और यदि भेजना भी चाहेगा तो मान ले सड़क भी अच्छी नहीं है, सड़क अच्छी नहीं है तो वो जो ले जाने वाला है वो ज्यादा कॉस्ट लेगा, और उससे किसान है उनकी कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगी, और इसकी वजह से कई बार किसान उसको वहीं पर अपने बिचौलियों को बेच देते हैं। इसकी वजह से किसानों को अच्छी कीमत नहीं मिल पाती, और जब किसानों को अच्छी कीमत नहीं मिलेगी आपकी कृषि कभी भी विकास नहीं कर पाएगी, क्योंकि कृषि में विकास करने के लिए किसान के पास इनकम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकम केवल निवेश को ही नहीं बढ़ाती, इनकम मोटिवेशन को बढ़ाती है, इनकम किसान के मोटिवेशन को बढ़ाती है, वो उसमें निवेश अच्छे से करेगा, उसमें और लगन लगाएगा और अच्छे से इन्वेस्ट करेगा और सारी चीजों प्रौद्योगिकी यूज करेगा, टेक्नोलॉजी यूज करेगा, है ना, खाद बीज सब चीज अच्छे से बढ़ेंगी तो किसान अपनी खेती को और आगे बढ़ा सकता है। तो ये एक बड़ी समस्या रही है हमारे यहाँ, ठीक है ना, बिचौलिए द्वारा किसानों का बहुत ज्यादा शोषण किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि भंडारण का अभाव, भंडारण एवं शीतलन का अभाव, आप सभी जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण शीतलन का अभाव की वजह से बहुत सारा फसल, कई लोगों ने डेटा भी लिखा है, सही लिखा है, भारत में लगभग 47 मिलियन टन जो फसल है, लगभग एक डेटा आया था, लगभग 47 से 50 मिलियन टन फसल इसलिए खराब हो जाती है क्योंकि भंडारण की सुविधा नहीं है, ना तो गवर्नमेंट के पास है ढंग से भंडारण की सुविधा। इसलिए आपने देखा होगा एफसीआई के भंडारण में किसी दिन सड़ा हुआ अनाज निकल रहा है तो किसी दिन क्या निकल रहा है, और इससे बड़ी मात्रा में नुकसान होता है। अब हम इसे किसान की तरफ से देखते हैं, एक किसान है उसके पास बेचारे के रहने के लिए जगह नहीं है, उसने फसल काटी, बड़ी मुश्किल से फसल काट के सब कुछ तैयार करके अपने घर ले आया, अब उसके पास इतनी जगह नहीं है कि उसको रख सके, उधर से बारिश आ गई, अब बारिश में वो अपना सर छिपाए या फसल को छिपाए, इस दौरान कोई कितनी ही कीमत दे दे मजबूरी में, दूसरी बात बाजार में जाना चाहे तो बाजार में उसके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, बाजार में जा नहीं सकता क्योंकि अकेला उसके पास एक्सेस नहीं है, इस कारण मजबूरी में किसान को वो फसल बेचनी पड़ती है। यदि किसान के पास या सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मान लें कोल्ड स्टोरेज बना देते और किसान से छोटी मोटी फीस ले लेते तो किसान उसको वहां जमा करवा करके जब अच्छी कीमत मिलती तब उसको बेच सकता था। इसलिए ध्यान रखना, इसलिए वितरण के लेवल पर समस्या सबसे बड़ी समस्या होती है, इसी की वजह से किसान को बड़ी मात्रा में अच्छी कीमत नहीं मिल पाती, और किसान को अच्छी कीमत ना मिलना ही कृषि की सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है ना। तो पॉइंटों को ध्यान रखना, फैक्ट तो आपको और इनमें ऐड कर देंगे हम। तो बेसिकली वितरण के लेवल पर समस्या होगी। अगली समस्या अगर मैं बात करूं आपसे, अगली समस्या है मार्केटिंग के लेवल, या मैं बोलूं इसको विपणन के स्तर पर, यहां तक कोई डाउट है किसी को, बोल नहीं रहे, बहुत चुप बैठे हुए आप लोग, नहीं सर। यस कोई डाउट है, हाँ सर। ओके और ठीक है। देखो आप मार्केटिंग या विपणन के लेवल पर देखें तो आप सभी जानते हैं कि एक तो अपर्याप्त विपणन श्रृंखला है, अपर्याप्त विपणन श्रृंखला का आप जानते हो, मैं बात ज्यादा कर लेती हूँ, अपर्याप्त विपणन श्रृंखला, अपर्याप्त विपणन श्रृंखला का मतलब है औपचारिक कोई मंडी नहीं है, जैसे आपके एपीएमसी भी आपने बनाई, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कंपनी जो बनाई थी एपीएमसी भी, वो भी ज्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाई, आप सभी जानते हो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इसमें भी मोनोपोली है व्यापारियों की। तो एक तो पहली बात तो किसानों को उनको अच्छी तरीके से कोई मैं कह सकता हूँ ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई मंडी नहीं मिल पाई, तो इसकी वजह से किसान किसको बेचे, और दूसरी बात जो एपीएमसी एक्ट 2003 के अंतर्गत जो कंपनी स्थापित की गई थी उसमें भी एक तरह से स्टेट के अलग अलग कानूनों की जटिलताओं की वजह से उसमें इतनी ज्यादा जटिलता है कि कोई व्यापारी को लाइसेंस आसानी से नहीं मिल सकता, इसलिए जब आपको पता है कि एक मंडी में 4 व्यापारी तो उनकी मोनोपोली रहेगी,
और वो अपने हिसाब से वह कीमत लगाएंगे। इसकी वजह से भी किसान को ना तो अच्छी तरीके से क्या मिल सकती है, पैसा मिल सकता है। मार्केटिंग में सबसे बड़ी समस्या है एपीएमसी की असफलता। अगर एपीएमसी अच्छे से काम करती तो किसान अच्छे से कर सकते। इसी प्रकार किसानों को मूल्य भी कम मिल पाता है। मूल्य कम मिलता है कि इसके कारण कारण क्या है, एक तो बिचौलियों का दिखता और एक आप सभी जानते हैं एक अधिकार, व्यापारियों का एक अधिकार, और स्पेशली कहां पर, एपीएमसी में, ठीक है ना। तो एक बड़ी समस्या किसानों की है, और सबसे बड़ी है किसानों के पास जानकारी का अभाव होता है, मार्केट के बारे में जानकारी नहीं। कई बार क्या होता है कि आप सभी जानते हैं, कई बार किसानों को इतना पता होता है, जैसे मान लो कोई गेहूं है, इसकी सरकार ने एमएसपी निकाली मान लो 2100 रुपये क्विंटल, लेकिन किसान को इसके बारे में पता नहीं है, कोई व्यापारी इससे 1800 रुपये क्विंटल में खरीद के ले जा सकता है। इसकी वजह से भी किसान, देखो छोटे किसानों की बात हो रही, बड़े किसान को तो सारी चीजें पता होती है, उसके पास सारी इंफ्रा भी होता है, उसकी बड़े बड़े बिजनेसमैनों से डायरेक्टली डीलिंग होती है, तो आसानी से वो अपनी फसलें बेच देता है। हम बात कर रहे हैं 86% उन किसानों की जिनके पास ज्यादा जमीन नहीं है और ना ही ज्यादा उनका उत्पादन होता है, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जानकारी का अभाव भी सबसे बड़ी समस्या उनके मार्केटिंग में आ जाती है, इसलिए ये समस्याएं हर लेवल पर उनको आ रही है। और यही कारण है कि किसान या कृषि कभी लाभ का एक तरह से व्यवसाय रहा ही नहीं, और इसीलिए कृषि आजकल एक हतोत्साहित होता हुआ व्यवसाय। आजकल कृषि का चयन कोई अपने प्रोफेशनल के लिए नहीं करता, आजकल कृषि या तो मजबूरी रह गई एक तरह से, तो ये चीज यहाँ देखने को मिलती है। इसलिए आपको लिखना है अगले पॉइंट में कि ये इन्हीं समस्याओं की वजह से मैं आपको पॉइंट लिख रहा हूँ, इन्हीं समस्याओं की वजह से कृषि हानि का व्यवसाय बन गया, ठीक है ना। और इसलिए इसके सतत एवं समावेशी बनाने हेतु समाधान, बस पैराग्राफ कनेक्टिविटी 250 शब्दों के जो पेपर होता है, 250 शब्दों का जो आपका क्वेश्चन होता है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए पैराग्राफ कनेक्टिविटी आपको जरूर अच्छे से करनी है। अब बस समस्या बतानी है, बस सॉरी समाधान बताना है आपको। अब आपको ध्यान रखना, इन दो शब्दों को ध्यान रखना कि समाधान आपके ऐसे हो जो सतत और समावेशी हो। ऐसा नहीं है आप बोल दें कि नहीं हमें रासायनिक उर्वरकों को बहुत ज्यादा यूज करो, वो नहीं करना है आपको, ठीक है ना, कि चलो उत्पादन बढ़ाने के लिए हम रासायनिक उर्वरकों का यूज करें, ये चीजें वो नहीं करनी। आपको सजेशन देते समय हमेशा ध्यान रखना, ये बात शब्दों का ध्यान रखना है, आपको ऐसे सजेशन देने जो एग्रीकल्चर को सतत और समावेशी बढ़ा सके, ठीक है ना। जैसे अब समाधान होती उत्पादन के स्तर पर क्या समाधान देंगे बताइए, जो जो समस्या लेकिन उन्हीं का समाधान दे दो। सिंचाई के स्तर पर क्या कर दो, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, सही बात है या नहीं है। और इसका आप देख सकते हो सरकार ने भी प्रयास कर रखे हैं, सूक्ष्म सिंचाई परियोजना। अगर हम ये काम करेंगे तो इससे कई लेवल पर फायदा होगा। पहली बात तो आपको बरसात पर ज्यादा डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, और दूसरी बात आपके ग्राउंड वाटर की समस्या है, प्राकृतिक संसाधन है, उनके सततता को बनाए रख सकते हो, इसलिए माइक्रो इरिगेशन सिस्टम बहुत बढ़िया सिंचाई के लिए यूज हो सकता है, ठीक है ना। कोई डाउट है इसमें, हेलो, नहीं सर, ठीक है ना। तो एक पॉइंट दीजिए सिंचाई के स्तर पर, क्योंकि मैंने यही समस्या देखी थी। एक एक और दे सकते हैं हम कि मृदा की गुणवत्ता के लेवल पर, क्योंकि अभी हमने देखा कि मृदा में गुणवत्ता नहीं है, वो अनुपात ठीक नहीं है, इसलिए हम कौन सी स्कीम लेके आए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सरकार की चीजों का अमूर्त। क्या ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात है कि आप क्वेश्चन तो लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हो, आप पॉइंट लिख के छोड़ देते हो, पॉइंट नहीं लिखना है उसका, क्वेश्चन कुछ आपको एक डेस्क्राइब जरूर करना है, या तो कोई एग्जाम्पल दे देना है या कोई फैक्ट दे देना है, इससे क्वेश्चन अमूर्त नहीं रहता। अदरवाइज आप हेडिंग हेडिंग डाल के छोड़ देते हैं तो आपका आंसर अमूर्त रह जाता है, ठीक है ना। अब मृदा की गुणवत्ता आपने लिखी, लेकिन आपको लिखना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ठीक है ना। और इससे इन दोनों चीजों से आप जानते हैं किसानों की न केवल लागत कम होती है बल्कि उत्पादन भी बढ़ता है। बहुत सारे सर्वे ने स्पष्ट रूप से बोली है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की वजह से गेहूं चावल इनका उत्पादन बहुत तेज गति से बढ़ा है, और लगभग 20 से 25% किसानों की लागत कम हुई। तो हमें दो काम करने, कृषि को यदि लाभकारी बनाना है, सतत बनाना है, तो किसानों की लागत भी कम हो और उत्पादन भी बढ़े, इसलिए हमारे सजेशन हो सकते हैं। उत्पादन के लेवल पर एक और मैं दे सकता हूं कि सबसे बड़ी बात है किसानों के लिए साख सृजन क्षमता होनी चाहिए, उनको पास ऋण की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए ताकि वो कृषि में निवेश कर सके। एक तो आप दे रहे हो उनको निवेश के लिए, ठीक
मैं कह रहा हूँ निवेश के लिए, एक तो केसीसी कार्ड दे रहा हूँ, इसके अलावा आप निवेश के लिए उनको प्रधानमंत्री मान सम्मान योजना दे रहा हूँ, सम्मान निधि योजना आप जानते हो, ये योजना है जो स्कीम है ना आपके ऐसे ही काम आती है आपको यह एग्जाम्पल देने में। तो 60 सर्जन के लेवल पर आप ये करो, इसको सभी को अच्छे से प्रोवाइड करवाइए, सभी तक इसकी पहुंच सुनिश्चित हो, ठीक है ना, ये आप कर सकते हो। और भी एक दो सजेशन और देख सकते हो। इसके अलावा अगर मैं कृषि में खाद बीज इनकी अगर मैं बात करूं तो जेनेटिकली मॉडिफाइड का यूज कर सकते हैं, नैनो टेक्निक का हम यूज कर सकते हो, सही बात है या नहीं है? नैनो तकनीक कैसे, नैनो यूरिया सुना होगा इस बार करंट में, सुना है नहीं सुना? नैनो यूरिया के सुना बारे है में सुना है सर, नहीं सुना आप लोगों ने? हाँ, सुना है सर। नैनो यूरिया का यूज कर सकते हो। तो ये सतत कृषि के लिए बहुत जरूरी है, इससे एक तो सरकार की लागत भी कम आएगी। आपने पढ़ा होगा नैनो यूरिया का, जब हम मुद्दा पढ़ रहे थे, नैनो यूरिया से न केवल किसानों की लागत कम होती है बल्कि मृदा की उपजाऊता को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है? तो वो आप यहाँ यूज कर सकते हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें ये चीजें, ठीक है ना, इन चीजों को आप अच्छे से यूज करके आप कुछ भी कर। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या ये कि किसानों के पास उत्पादन में सबसे बड़ी समस्या होती है फसल की सुरक्षा। आप सभी जानते हो कि सबसे ज्यादा खतरा किसमें होता है फसल में, क्योंकि मानसून पर डिपेंड है, और मानसून पर डिपेंड होने की वजह से यदि मानसून मान लो खराब हो गया या अचानक बहुत ज्यादा बारिश आ गई, इस बार देखा है कई बार कई क्षेत्रों में जब गेहूं की फसल हो रही, जब बहुत तेज गति से बारिश आई, इसकी वजह से गेहूं और सरसों की फसल नष्ट हो गई, तो अब इसकी सुरक्षा कौन देगा? तो प्रधानमंत्री खाद या फसल बीमा योजना, यहां से ये सुविधा आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, तभी तो आप कृषि को सतत बना पाओगे। जैसे मान ले मैं किसान हूं, मैंने कोई खेती करी, 10-20-50 हज़ार रुपये मैंने लगाए और कोई प्राकृतिक घटना घटित हो गई कि मेरी फसल नष्ट हो गई, तो अब मैं पहले से ही 50 हज़ार के कर्जे में हूं, आगे मैं कैसे निवेश करूं? तो इसलिए मुझे उसकी क्षतिपूर्ति के लिए उसका इंश्योरेंस होगा, तो कहीं ना कहीं मेरी आय का स्रोत एक सस्टेन रहेगा, कम से कम मैं कर्जे में तो नहीं डूबूंगा। तो ये चीज आप कर सकते हो उत्पादन के लेवल पर। इसी प्रकार अगर वितरण के लेवल पर मैं बात करूं तो वितरण के लेवल पर सबसे बड़ी बात है परिवहन की सुविधा, या ग्रामीण अवसंरचना कर सकते हो, परिवहन की सुविधा, सड़क अवसंरचना, और इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो, बिल्कुल हमारी सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। इसके अलावा आप आपने सुना होगा कृषि रेल और कृषि उड़ान, नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी के लिए बढ़िया साधन के लिए यूज हो रहे हैं। देखो जो आप स्कीम्स पढ़ते हो ना, उनको यहाँ एग्जाम्पल के रूप में, उनको फैक्टर के रूप में यूज करना है, तभी आपको लगेगा कि आप कुछ चीजें अच्छे से इसमें कर पा रहे हैं। तो आपने बोला सड़क अवसंरचना या परिवहन की सुविधा, तो आप बताइए कि सरकार ने अब तक क्या किया है और क्या इस तरीके से इसमें चीजें कर सकते हो। तो यहाँ तक कोई समस्या, ठीक है ना? तो इस तरीके से हम परिवहन के लेवल पर, वितरण के लेवल पर ये काम कर सकते हो। इसके अलावा वितरण के लेवल पर कर सकते हो कृषि अवसंरचनाओं का निर्माण। अब कृषि अवसंरचना में सभी आ गई, आपको पता है भंडारण, शीतलागृह सभी आते हैं इसमें। तो कृषि अवसंरचना का निर्माण करने के लिए सरकार के द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसका गठन किया गया लगभग 10,000 करोड़ रुपए का, ताकि वो इस तरीके के चीजों में निवेश कर सके, इससे कृषि की अवसंरचना है उसको अच्छे से बढ़ाया जा सके, तो कृषि की सतत है उसको हम बनाए रख सकते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखना, फसल के अंतर्गत यहाँ हम एक काम कर सकते हैं, उत्पादन के लेवल पर प्राकृतिक या जैविक फसलों को भी बढ़ावा दिया जाए, ठीक है ना, है ना? इसके लिए सरकार द्वारा आपको पता है कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के लिए बहुत सारे इंसेंटिव आपको दिए जा रहे हैं। वितरण के लेवल पर ये हो गई, यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है ना? अगला मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, अगला देखो, अगला है आपका सबसे बड़ी चीज मार्केटिंग के लेवल, कि मार्केटिंग के लेवल पे क्या समस्या है। सबसे पहला काम करो आप ई नेम को सभी कंपनियों से जोड़ दो, ई नेम है इसमें सारी एपीएमसी को जोड़ दो, ताकि एक व्यक्ति या एक किसान किसी दूसरी कंपनी को या दूसरे जगह पर, दूसरे जिले में, दूसरे राज्य में अपनी फसलों को आसानी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेच सके, ठीक है ना, डायरेक्टली। इसके अलावा मार्केटिंग में हम एक काम कर सकते हो, आप जो क्या बोलते हैं वो, एक तो योगा, एक ग्रामीण हाट, आपने सुना हो ग्रामीण हाटों की व्यवस्था। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ लिंक करना इनको, ठीक है ना, जैसे कृषि संपदा योजना चल रही है उसमें। तो कृषि में सजेशन आप मार्केटिंग पर लेपत कर, सबसे बड़ी बात है सहकारी खेती, है ना,
इसके माध्यम से डायरेक्टली किसान नहीं कर सकते, ये चीज मार्केटिंग पे लेवल पे कर सकते हो। और एक अन्य 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 में आपको ध्यान रखना, एक चीज कर रहे हैं कि कृषि में स्टार्टअप को डेवलप किया जाए, स्टार्टअप कृषि में स्टार्टअप बढ़ाया जाए, जिससे अगर कृषि में आपने देखा होगा आजकल लोग इंजीनियरिंग छोड़ के ये काम छोड़ करके, एक दो एग्जाम्पल दे सकते हो उसमें कि कई लोग IIT छोड़ करके कृषि करने लगे और उन्होंने कृषि में बहुत बड़ा पैसा कमाया। तो कृषि को स्टार्टअप के रूप में बढ़ाए रखने के लिए, कृषि में रिसर्च एंड अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, कृषि में रिसर्च हो, हायर एजुकेशन में कृषि को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है ना, इन चीजों पे यदि हम काम करेंगे तो कृषि को और ज्यादा सतत और समावेशी बनाया जा सकता है। लगला इसके आती है आपकी बात कंक्लूजन के लिए, ठीक है ना, तो कंक्लूजन लिखना नहीं डायरेक्टली कि देखो कृषि किसानों की आय को दोगुना करने, ठीक है ना, आप सभी जानते हैं बहुत बड़ी मात्रा में चल रही थी, अभी तक हो नहीं पाई, किसानों की आय को दोगुना करने, ठीक है ना, और 2047 तक विकसित भारत, क्योंकि ग्रामीण विकास के बिना भारत विकसित नहीं हो सकता, विकसित भारत के लक्ष्य एवं ध्यान रखना, कभी भी आप जब भी कभी भी कंक्लूजन निकालो, कंक्लूजन कोई ज्यादा आपका टिपिकल नहीं होता, आपको बस ये देखना है कि जो फ्यूचर में हमारी सरकार की क्या क्या योजना, क्या क्या दूरदृष्टता की योजना चल रही है कि भाई 2047 तक भारत को हम विकसित देश बनाना चाहते हैं, तो कृषि के विकास के बिना हम उसको कभी विकसित कंट्री के रूप में नहीं ला सकते, क्योंकि आपकी GDP और आपकी लगभग लगभग 50% से ज्यादा आबादी आप कृषि पे डिपेंड है, यदि उसी को आप आगे नहीं बढ़ा पाए तो कभी भी उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे। विकसित भारत का लक्ष्य, ठीक है ना, इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट को, ठीक है, व्यवहारिकता, ठीक है, इसके अलावा 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्ति के लिए, क्योंकि तो आप सभी जानते हैं क्लाइमेट चेंज में सबसे ज्यादा रोल कृषि भी निभाता है, कृषि अगर आपकी सतत नहीं है तो बड़ी मात्रा में क्लाइमेट चेंज के लिए वो इफेक्टिव होती है, तो उसके लिए प्राप्ति के लिए, है ना, और साथ ही SDG 1 एंड 2 इतने कीवर्ड यूज कर दो कि आपका कंक्लूजन एकदम दमदार हो जाए, कि यदि आपको किसानों की आय दोगुनी करनी है, 2047 तक भारत को विकसित पहुंचाना है, आत्मनिर्भर लक्ष्य को प्राप्त करना है और नेट जीरो टारगेट को प्राप्त करना है, SDG 1 और 2 को प्राप्त करना है, तो कृषि के सतत और समावेशी विकास पे आपको ध्यान देना ही होगा, ठीक है ना, इस तरीके से आप एक अच्छा आराम से SPO कर सकते हो, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नो सर, समझ में आया आप सभी को, आ गया। ठीक है, कोई ज्यादा टिपिकल, देखो क्वेश्चन सिंपल था बट प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हो इस क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन की बात थी, बाकी यार कृषि को लेकर के तो हर कोई लिख के आ सकता है, ठीक है, कोई डाउट हो किसी को तो प्लीज बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, D3 के अंतर्गत भूमि सुधार के, यस, हेलो सर, सर मैं ये कह रहा था जो कीवर्ड होते हैं इसके मतलब कि कैसे याद करें, कैसे एक्चुअली मैं समझें। आपको एक चीज बता दूं, कीवर्ड ना बहुत सारे प्रैक्टिस से आते हैं, जब भी आप कृषि, अब मैंने बता दिया आपको कि जब भी कृषि की बात करो, कृषि से जुड़ी हुई चीजों की बात करो, तो उसमें हमेशा ये 4-5 कीवर्ड आप जरूर यूज करो, है ना, जी, ऐसे हम और पॉलिटी के आंसर करवाएंगे आपको, तो पॉलिटी के आंसर में इंट्रोडक्शन का मैं एक फॉर्मेट बता दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चनों में सेम आप उसको यूज कर सकते हैं, तो वो चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण विकास, कृषि का आधार, ग्रामीण मतलब कृषि विकास भारत का, उसमें सब में सबसे बड़ा पॉइंट है आपका एग्रीकल्चर, ठीक है ना, उसको आपको लिखना है, कंक्लूजन में मैंने इतने सारी चीजें डाल दी इसमें कि 2047 तक आपको विकसित भी होना है, 2070 तक नेट जीरो प्राप्त करना है, आपके इकोनॉमी को, मैं एक और डाल देता इसमें, आपके इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन पहुंचाना है, आपको SDG 1 और SDG 2 प्राप्त करना है, उन सभी के लिए सतत और समावेशी कृषि बहुत जरूरी है, उसके बिना पॉसिबल नहीं, ठीक है, तो जी सर, ये चीजें थोड़ी प्रैक्टिस से आएगी, हम इतने क्वेश्चनों में लिख ही देता हूँ, मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ उसको, कि क्वेश्चनों में बहुत सारे कीवर्ड, और कीवर्ड काफी मेजर इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, वो दिखाते हैं कि आप कितना स्पेशल लिख रहे हो और से, ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट किसी और को, तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएंगे, आपकी हैबिट में आ जाएंगे, हर चीज से जुड़ा हुआ, जैसे अभी मैं भूमि सुधार से संबंधित हम काम करेंगे, उसमें मैंने कई कीवर्ड यूज किए हैं, उनको आप यहाँ भी यूज कर सकते हो, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, नो सर, सभी के लिए सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम जाए हो, तो अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है, भारत, देखो अब क्वेश्चन टफ नहीं है,
यूपीएससी में क्या होता है, क्वेश्चन GS3 के अंतर्गत आपको ज्यादा टफ नहीं मिलेंगे, टफ की लैंग्वेज मिलेगी आपको GS2। GS3 में बहुत सारे क्वेश्चन आपको बहुत इजी वे में मिलेंगे, लेकिन उनसे नंबर मारना आसान नहीं है। जितने ज्यादा इजी क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन को प्रेजेंट करना हमारे लिए उतना ही टिपिकल होता है, ध्यान रखना, इसलिए चीज ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है डायरेक्टली, आप सभी को पता है, मैं क्वेश्चन आपको सामने खोल देता हूँ। क्वेश्चन क्या है आपका, ये देखो, यहाँ तक हो गया, ये हो गया। अगला आपके सामने है क्वेश्चन, देखो मैंने, हो सकता है इसी इस कंक्लूजन में बहुत सारी चीजें यूज नहीं करी हो, या अलग तरह का कंक्लूजन दिया था, लेकिन कुछ चीजें अचानक से आंसर मुझे अभी ध्यान आई, तो मैं उसको जो अभी मैंने बोल दिया उसको आप कंक्लूजन में ले लेना अपने साथ, ठीक है ना। ये थोड़ा ठीक कंक्लूजन मुझे नहीं लगा, इसको और मॉडिफाइड कर सकते थे, तो वो चीज आप, ठीक है। अच्छा जैसे अगला है आपका क्वेश्चन एरिया, देखो भारत में भूमि सुधारों की दिशा में किए गए प्रयास अत्यधिक धीमे रहे, भारत में भूमि सुधार की मंद प्रगति के कारणों पर चर्चा कीजिए। यह आपके क्वेश्चन था कि देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में एक चीज मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन में ये बात तो कही गई है कि हमने भूमि सुधार तो किया है, तो एक तो आपको दिखाना है कि अब तक हमने कैसे भूमि सुधार किए, दूसरा पार्ट कह रहा है कि भूमि सुधार जो किए थे वो पूरी तरह सही नहीं थे, मंद रह गए, तो आपको एक दो फैक्ट देना है कि मंद कैसे रहे, तीसरा इसमें यह था कि वो मंद रहने के कारण उनको आपको बताना है, और चौथा पूछा नहीं गया बट छोटे पैराग्राफ में ही सही उसके समाधान के लिए सुझाव जरूर देना है, अंदर ला। ठीक है। समझ गए क्वेश्चन के पॉइंट, फिर मैं आपके सामने देखो क्वेश्चन ही खोल देता हूँ, मैं उसको स्क्रीन पे लेके देता हूँ, देखो ये आपके सामने, समझ गए क्वेश्चन में, फिर क्वेश्चन तो समझ गया, क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है अगर मैं लिखूं, क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है आपसे कि भूमि सुधारों के बारे में बोल रहे हैं, उसके बारे में, भूमि सुधारों के बारे में, कि भूमि सुधारों के प्रयास है वे अत्यधिक मंद है, ठीक है, मैं समरी कर रहा हूं, अत्यधिक मंद है, बंद रहे हैं, कारण भाई बताइए, लाइन अगर इसकी पर सिंपल लैंग्वेज में देखे तो ये था इसका क्वेश्चन डायरेक्टली, ठीक है, ये था सिंपल क्वेश्चन लैंग्वेज में अगर लिखे थे। अब इसमें एक चीज देखो, आपको क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग करने बिल्कुल लिखना है, पहला क्या लिखना है इंट्रोडक्शन डायरेक्टली, कि भूमि सुधार का मतलब क्या है, भूमि सुधार क्या है या इसके उद्देश्य क्या है, इससे आप इसको स्टार्ट कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने लिखा भी है इसमें, और बहुत अच्छी तरीके से मुझे लगता है लगभग लगभग 90% लोगों ने इसकी डेफिनेशन है उसको करेक्ट लिखा है, उसमें कोई डाउट नहीं। तो भूमि सुधार के जो प्रयास है वे अत्यधिक मंद रहे, कारण बताओ, ये डायरेक्ट था, पहला बताना है आपको भूमि सुधार के उद्देश्य, तो जब भी इंट्रोडक्शन आप करें तो सबसे बड़ी बात है उद्देश्य, भूमि सुधार के मतलब बता दिए, तो आप सभी जानते हैं कि भूमि का पुनर्वितरण, एक कीवर्ड तो ये हो गया, भूमि पुनर्वितरण, दूसरा कीवर्ड आप लिख सकते हो कृषि सामाजिक न्याय, सही बात है, तीसरा लिख सकते हो खाद्य सुरक्षा, चौथा की बार लिख सकते हो कृषि उत्पादकता, है ना, ये मेन उद्देश्य है आपके इसके इसके भूमि सुधार के, तो हम कह सकते हैं भूमि सुधार से, भूमि सुधार के उद्देश्य हो गए, और भूमि सुधार का मतलब है भूमि का न्यायपूर्ण वितरण और भूमि अभिलेखों का उचित प्रबंधन, ध्यान रखना दो शब्द और जोड़ने इसमें, कि भूमि का न्यायपूर्ण वितरण, ठीक प्लस भूमि लेखों, आप समझ गए, भूमि लेखों का भूमि अभिलेखों का उचित प्रबंधन, ठीक है ना, इनसे आप अपना एक इंट्रोडक्शन बना सकते हैं कि भू पुनर्वितरण, कृषि उत्पादकता, सामाजिक न्याय और खाद्य सुरक्षा हेतु भूमि सुधार तो आवश्यक है ही है, लेकिन भूमि सुधार का मेन उद्देश्य है कि भूमि का न्यायपूर्ण वितरण हो और भूमि के जो रिकॉर्ड है उसको हम बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सके। ध्यान रखना, भूमि सुधार का मतलब केवल भूमि का वितरण ही नहीं, बल्कि भूमि के जो डेटा है उसका रिकॉर्ड करना भी उसी में शामिल है, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसकी एक स्टार्टिंग बढ़िया कर सकते हो, बहुत सारे लोगों ने किया, आप में से बढ़िया स्टार्टिंग करिए, सिंपल सी स्टार्टिंग आपको ये करनी थी, ठीक है ना। तो ये चीज आप यहां तक एक पैराग्राफ लिख सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगला पैराग्राफ जो आपको छोड़ना है तो लिखना है कि बिल्कुल भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को व्यवहारिक रूप देने के लिए, ध्यान रखना एक कीवर्ड और बता रहा हूं मैं, भारतीय, देखो मुझे टाइम लग रहा है लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखो,
भारतीय संविधान के सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र, कोई बता पाएगा ये कहां पर मिलेगा? बताइए भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र कहां है? सर प्रस्तावना में बीपीएसपी में, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान के सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र के दर्शन को व्यवहारिक रूप देने के लिए, हाँ बिल्कुल करेक्ट, बीपीएसपी में व्यवहारिक रूप देने के लिए भूमि सुधार के प्रयास किए गए। प्रस्तावना भी है लेकिन ढंग से इनकी व्याख्या मैडम आपका वो करता है डीपीएसपी, क्योंकि डीपीएसपी का मेन उद्देश्य होता है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। डीपीएसपी का मेन लेना देना मेन होता है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, डीपीएसपी की बात होती है। ठीक है ये हो गया, तो यहां तक आओ, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैंने पैराग्राफ कनेक्ट किया डायरेक्टली, है ना, कि पहला ये हो गया, दूसरा यहां से। अब मैंने कर दिया ना इसको इंट्रोडक्शन के बाद मैंने पैराग्राफ को कनेक्ट कर दिया और दिखा दिया कि भूमि सुधार के प्रयास किए गए, इसको व्यावहारिक बनाने के लिए भूमि सुधार के प्रयास किए गए। ये क्वेश्चन की डिमांड थी, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयास तो किए गए थे, तो यहां तक लिख सकते हैं प्रयास किए गए जो निम्न है, ठीक है। अब प्रयासों को बताना है लेकिन संक्षिप्त बताना है, उनको ज्यादा एलोबरेट नहीं करना है, उनको बहुत संक्षिप्त रखना है, ठीक है। तो ये कर दो क्या? ठीक है, तो ये हो गया। अब कैसे करना है अगला? अब प्रयास, तो प्रयास क्या किए गए? प्रयास ध्यान रखना, किसी ने बहुत अच्छा लिखा था, मैंने देखा था उसी क्वेश्चन में दो, तो अच्छा वही मेरा मतलब सोच थी कि उसी तरीके से आपको लिखना चाहिए। प्रयास है एक तो सरकार के स्तर पर भी हुआ है, भूमि सुधार में आप सभी जानते हैं, और एक प्रयास हुए हैं आपके व्यक्तिगत स्तर पर। और व्यक्तिगत स्तर का कोई एग्जाम्पल दे पाएगा कि व्यक्तिगत स्तर पर भूमि सुधार के प्रयास किसने किए? सर भूदान आंदोलन बिल्कुल विनोबा भावे का। हाँ, भूदान आंदोलन, विनोबा भावे, ठीक है ना, ठीक है ना, इसको आप एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। भूदान आंदोलन व्यक्तिगत स्तर, ये सिर्फ आपको डायग्राम के माध्यम से चीजों को एक्सप्लेन करना है इसमें, है ना। तो विनोबा भावे का जो भूदान आंदोलन है वो इससे संबंधित था। अब सरकार के स्तर पर ध्यान रखना, दो लेवल पे कर सकते हो इसमें, चाहे तो दिखा सकते हो आप संस्थागत स्तर पर, और चार एक और हो गया आपका तकनीकी स्तर पर, ठीक है ना। संस्थागत स्तर पर दिखा सकते हो, पहला भूमि जमींदारी उन्मूलन, और जमींदारी उन्मूलन के लिए सबसे बढ़िया प्रयास किया राजस्थान गवर्नमेंट ने भी किया था, सज्जन सिंह की सहायता, केरल गवर्नमेंट ने भी किया था, आपको पता है केरल सरकार ने, जिसके बाद वो केशवानंद भारती की सहायता था, वो इसी भूमि सुधार के बाद आया। गोलकनाथ पंजाब गवर्नमेंट ने किया था, ठीक है ना। तो इन्होंने भूमि सुधार के लिए जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए, और इसी के लिए ये कानून लेके आए, और इसी के लिए हमारे संविधान में प्रथम संविधान संशोधन किया गया, और आपके संविधान में 9th शेड्यूल है वो जोड़ी गई थी। उनका संबंध किससे है? आपका जमींदारी उन्मूलन से है। तो जमींदारी उन्मूलन एक्ट लेके आए, स्टेट गवर्नमेंट लेके आई, तो वो यहाँ आपको लिख देते हैं। और ये बात सही है कि इसमें एक एग्जाम्पल, विभिन्न राज्यों में लगभग 2 करोड़, दो एक एक डेटा मेरे पास अवेलेबल, 2 करोड़ किसानों को, ध्यान रखना लगभग 2 करोड़ किसान जो भूमिहीन किसान थे, उनको किसानों को क्या मिली? जमीनें मिली, भूमि मिली, 2 करोड़ भूमिहीनों को भूमि मिली। तो जमींदारी उन्मूलन हो गया और भूमि पुनर्वितरण हो गया, दो काम हो गए, भूमि भूमि पुनर्वितरण। क्योंकि जमींदारी में क्या किया कि जमींदारों से भूमि फिक्स कर दी, भाई इतने आप एक परिवार इतनी हेक्टेयर भूमि ही अपने पास रख सकते हो, बाकी आपको दोबारा अन्य व्यक्तियों को देनी पड़ेगी, और उन अन्य व्यक्तियों को जिनके पास भूमि है नहीं है, जिनके पास भूमि नहीं है, जैसे 2 करोड़ ऐसे भूमिहीन किसानों को भूमि दी गई थी। तो ये आप लिख सकते हो। इसके बाद चकबंदी, हम इसी में आते हो सब, चकबंदी, हदबंदी कानून ही हो गए, और लैंड सीलिंग भी आपको चलती है आजकल, लैंड सीलिंग बहुत चल रही है, ये भी प्रयास आपको किए गए, ठीक है ना। तो ये तो एक बेसिकली आप दिखा सकते हो, भाई प्रयास तो हमारे हर लेवल पर किए गए थे, ठीक है ना। इसके अलावा किराएदारी एक्ट भी लेके आए थे, तो किसान काम करते हैं, किराएदार किसान करते हैं, उनके लिए एक्ट लेके आए थे, जाके किराएदार किसान है उनकी सुरक्षा की बात की जा सके, ठीक है। ये जो मैं लिख रहा हूँ तभी समझ में आएगा जब आप सुन रहे होंगे, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसकी मैं ये एक पीपीटी टाइप बना के आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आपको एक आइडिया तो रहे कि क्या चीज यहाँ बोली जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये सरकार तकनीकी स्तर पर आप देख सकते हो बहुत सारे प्रयास किए गए, तकनीकी स्तर पर बढ़िया प्रकार प्रयास अभी चल रहा है भूमि रिकॉर्डों का डिजिटलीकरण, ये अभी चल रहा है आप सभी जानते हो। जैसे एक बढ़िया एग्जाम्पल
आप जानते होंगे भूमि इनिशिएटिव कहाँ पर है, किसकी होगी, बताएगा कोई इसको? कर्नाटक की भूमि इनिशिएटिव है, जिसके अंतर्गत कर्नाटक क्या कर रही है, कर्नाटक का गवर्नमेंट उसके सारे लैंड रिकॉर्ड है उनको डिजिटलाइज कर रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट की स्वामित्व स्कीम भी आ गई, आप सभी जानते हैं, उसमें भी डेटा का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, स्वामित्व योजना। इनको आप यहाँ ब्रैकेट में लिख करके खत्म कर सकते हैं, ठीक है? तो ये गवर्नमेंट, ये प्रयास हो गई, लेकिन इन प्रयासों में ये बात सही है कि इन प्रयासों के बावजूद भी, अब आपने यहाँ तो लिख दिया कि प्रयास तो ये हो गए, लेकिन बात अगला पैराग्राफ कनेक्ट करने से पहले लिखना है कि इन प्रयासों के बावजूद भी भूमि सुधार पूरी तरह नहीं हो पाया, क्योंकि आज भी भारत के लगभग 86% किसान है लघु और सीमांत हैं, और 14% किसानों के पास जमीन है वो 50% किसानों से ज्यादा है। दो तीन डेटा आप उठा लीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? बिहार में भूमि पुनर्वितरण, भूमि सुधार कानून इंप्लीमेंट अच्छे से नहीं हो पाया, आप सभी जानते हैं, इसलिए बिहार में भूमि को लेकर के बहुत सारी असमानताएं देखने को मिलेंगी, ठीक है? तो अगला पैराग्राफ इस तरीके से आप इसमें स्टार्ट कर सकते हो, इतने प्रयास किए, उसके बावजूद भी भूमि पुनर्वितरण नहीं हो पाया, भूमि सुधार नहीं हो पाया, और उसके दो तीन आपको कंडीशन दिखाने का, अभी भी अगर भूमि सुधार होता तो लगभग 86% किसान है लघु सीमांत नहीं रहते, भूमि अच्छे से पुनर्वितरित हो जाती। अगर भूमि पुनर्वितरण हो जाता तो आज हमारे पास जो लैंड डिस्प्यूट है वो खत्म नहीं, वो लैंड डिस्प्यूट है वो सेटल हो जाते, लेकिन आज लैंड डिस्प्यूट बने हुए हैं। आज अगर एग्जाम्पल दे दो, बिहार में बहुत सारी घटनाएं इसमें देखने को मिल रही है, तो वो एक दो तीन चीज करके आप लिख सकते हो। इसलिए इन अगला पॉइंट है कि इनके मंद गति होने के कारण, तो मेन क्वेश्चन की डिमांड आपकी यहाँ थी कि मंद गति होने के कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से भूमि सुधार नहीं हो पाए थे। सबसे पहला बात था, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था, अगर मैं देखूं तो सबसे महत्वपूर्ण कारण था राज्य सूची का विषय होना, भूमि भूमि है और राज्य सूची का विषय था, और राज्य सूची के विषय होने पर यह काम राज्यों को सौंपा गया था, और राज्यों में राजनीतिक इच्छा की वजह से, राजनीतिक इच्छा शक्ति की अभाव की वजह से, राजनीतिक इच्छा शक्ति की अभाव की वजह से भूमि पुनर्वितरण नहीं हो पाया। नहीं तो कई राज्यों ने बढ़िया किया, आपको पता है कि जो वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट सरकार रही, उसने बहुत बढ़िया भूमि सुधार पर कानून किया, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश या नॉर्दर्न नॉर्थ के अदर स्टेट है, उन्होंने इस पे खास अच्छा काम नहीं किया, क्योंकि वह अलग राजनीतिक विचारधारा वाली गवर्नमेंट थी। तो राज्यों की जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है उसकी अभाव की वजह से ही भूमि सुधार कानून ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाया, और इसके लिए देख सकते हो आप बिहार का एग्जाम्पल दे सकते हो, वहां पर ही नहीं हो पाया। तो एक चीज तो इसका यही था, इसी में कई लोग पॉइंट बनाते भाई एक राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी अभाव था, तो वो भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे मैंने इसमें लिख दिया राजनीतिक इच्छा शक्ति, चाहो तो आप एक पॉइंट और बना सकते थे कि राजनीतिक इच्छा शक्ति है उसका अभाव देखने को मिला था, और ये एग्जाम्पल किसी ने बढ़िया दिया था, आपके किसी के एक के आंसर में देखा था कि सही बात है, बंगाल में वामपंथी सरकार थी दोस्तों, वामपंथी सरकार आप जानते हो कि किसानों और भूमिहीनों के पक्षधार ज्यादा रहती है, तो बंगाल की वामपंथी सरकार है उसने तो बढ़िया काम किया, ठीक है ना? और वहीं दूसरी ओर आपके बिहार, यूपी, ठीक है, और कई अदर स्टेट थे नॉर्थ उत्तर भारत के, उनमें भूमि पुनर्वितरण अच्छे से नहीं हो पाया क्योंकि दूसरी विचारधारा की वहां सरकारें थी, ठीक है ना? तो ये एक चीज हो गई, तो एक राजनीतिक इच्छा शक्ति पॉइंट डाल सकते हैं। एक इसमें पॉइंट एक और बढ़िया है आपके पास, और इसमें एक चीज ये हो गई, एक और पॉइंट आप इसमें बढ़िया कर सकते हो जो आपके पास सभी लोग जानते हैं कि एक तो न्यायपालिका का हस्तक्षेप, आप सभी जानते हो न्यायपालिका भी इसमें, न्यायिक सक्रियता भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही, न्यायिक सक्रियता, और न्यायिक सक्रियता की वजह से ही हमने कई राज्यों के कानून है उनको कहीं ना कहीं, आपको पता है कि भूमि सुधार कानून है उनको रोक दिया गया, उनको नल एंड वॉयड घोषित कर दिया गया, आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि 9th शेड्यूल है उसको लेके आना पड़ा, तो न्यायिक सक्रियता जैसे सज्जन सिंह केस हुआ, गोलकनाथ केस हुआ, इन सभी में न्यायपालिका का हस्तक्षेप काफी अहम रोल में रहा, ठीक है? तीन चार पॉइंट ऐसे कर सकते हो, एक पॉइंट लिख सकते हो और आप कि भूमि लेखों का अभाव, आपको पता है रिकॉर्ड की कमी है, पर्याप्त रिकॉर्ड नहीं होने की वजह से भूमि के डिस्प्यूट है वो आज बने हुए हैं। तो तीन चार पॉइंट है, इनको थोड़ा विस्तार से बताना है क्योंकि ये क्वेश्चन की एक पार्ट में आपकी डिमांड थी, जब आप इसको बता दे, बहुत सारे लोगों ने इसको बताया, सभी ने बताया, लगभग लगभग सभी ने इस पॉइंट को अच्छे से पकड़ाया, लेकिन मेरा यह मानना था कि आपको एक पॉइंट और पकड़ना था इसमें, वो था इसका सजेशन जरूर देना था, ठीक है ना? तो सजेशन देने के लिए, या मैं इसमें मैंने जैसे मैंने अपने उसमें क्या दिखाया कि भाई सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए, चाहे तो एक लाइन उसकी ले सकते हो, सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए, बाकी डायरेक्टली आप कंक्लूजन ले सकते हो, क्योंकि आपको शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है, तो बिल्कुल सही है, यदि सख्त
आपको इसका एक तरह से मैं कहूँगा भूमि सुधार पे काम करना है, तकनीकी का प्रयोग जरूर करना होगा आपको, तकनीकी का प्रयोग लो, ठीक है ना। एक तो ये जरूरी है, दूसरा आपको पता है राजनीतिक इच्छा शक्ति जरूरी है, और तीसरा केंद्र को केंद्रीय स्तर पर भी इसमें इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि केंद्र लेगी तभी राज्य उस पर आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज, हालांकि ये बात सही है कि केंद्र का कानून इफेक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन केंद्र एक कानून बनाएगा, कम से कम उसके विचारधारा वाली सरकार उसको इम्प्लीमेंट तो करेगी। तो केंद्र का सहयोग बहुत जरूरी है, और साथ साथ प्रशासन की सक्रियता बहुत जरूरी रहेगी इसमें, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी है, तभी आप इसको और अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है ना। भूमि सुधार कानून, तो ये चीज आप इसमें दिखा सकते हो। तो बहुत सारे अच्छा आंसर इसमें और लोगों ने लिखा है, और भी चीजें ऐड हो जाती है, जिसे पहले मैंने भी आपके लिए मॉडल आंसर भेजा था, तो उससे मुझे लगता है कि उससे ज्यादा अच्छा तो मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। तो ये चीज एक बार देख लेना थोड़ा वीडियो को, क्योंकि तो कई चीजें क्या है कि आंसर लिखने के बाद आपके मन में और आइडिया आते हैं उसको और अच्छा करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से यदि आप आंसर लिखोगे तो मुझे लगता है कि आपका आंसर काफी इफेक्टिव रहेगा और आपको काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो अगर कोई किसी प्रकार का आपका कोई डाउट है, कुछ भी चीज है, तो ये आपके डे थ्री का क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। डे फोर में हमने केस स्टडी कंप्लीट कर ली थी, अब मुझे डे फोर में एक क्वेश्चन और रहता है, उसको हम कर लेते हैं, ठीक है ना। डे फोर में एक क्वेश्चन और रह रहा है, उसको कर लेते हैं, पहला वाला क्वेश्चन। यहां तक कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए, यहां तक कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। सर, वो स्टार्टिंग में आपने जो लाइन लिखवाई थी, भारतीय संविधान के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, उसकी कनेक्टिविटी मेरी नहीं हो पाई है सर। हाँ सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे कि भारतीय संविधान के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के दर्शन को, ब्रैकेट में लिख देना है डीपीएस, ठीक है ना, दर्शन को व्यवहारिक रूप देने के लिए, यानी कि जो दर्शन है ना संविधान में, आपने क्या बोला 39B और सी के अंतर्गत जो सामाजिक न्याय की बात की गई है, उसको व्यवहारिक रूप देने के लिए, यानी कि उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए आपको भूमि सुधार कानून करना जरूर किया, मतलब भूमि सुधार कानून करना जरूरी था, या सरकार ने उसको इंप्लीमेंट करने के लिए भूमि सुधार कानून के लिए प्रयास किए गए, जो निम्नलिखित है। तो वो लाइन थी मेरी कि संविधान के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के दर्शन को व्यवहारिक रूप देने हेतु सरकार के द्वारा निम्न प्रयास किए गए, उनको आप लिख सकते हो, बस डायरेक्टली उस पर आ गए, तो पैराग्राफ कनेक्टिविटी हो जाएगी उससे, है ना, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी, जी सर, यही छोटा थी। बस यही था। और किसी को कोई डाउट? सर कॉफी नहीं थे को रही रेगुलर चक्कर कॉपी आज काफी। मिल जाएगी सारी। ओके सर। और हेलो सर, यस, इकोनॉमी के लिए कौन सी स्टैंडर्ड बुक पढ़ूँ सर? वैसे इसकी समझ है थोड़ी बार इकोनॉमी की। नहीं इकोनॉमी समझ है, एक बुक जरूर फॉलो कर लेना, है ना। मैं तो इसे तो मैं फॉलो करता हूँ, एक श्री राम श्री रंगम की बुक है, आप रमेश सिंह को भी कर सकते हो, लेकिन रमेश सिंह बहुत ज्यादा चीजें नहीं बहुत जानते, है है सर उसमें, बहुत पेजेस है क्या, बहुत है मेरे ना। पास वो। हाँ, तो आप श्री राम श्री रंगम भी कर सकते हो, और एक क्लास नोट्स और एक बस बेसिक आपकी करंट अफेयर्स, उससे आप बस। संजीव वर्मा के अच्छे है क्या सर? संजीव वर्मा की भी ठीक है, उसका मैं नाम बोलूँ, वो भी अच्छी, संजीव वर्मा की, उसकी भी हेल्प आप ले सकते हो, ठीक है ना। जैसे कई लोगों को श्री राम की भी अच्छी लगती है ना, मतलब ये वो भाई तो आप कैसे बोल, रमेश श्री सिंह की राम अच्छी भैया? लगती है कई लोगों को, लेकिन उनका अपना वो रहता है, तो आप एक बार लैंग्वेज आप पढ़ के देख लीजिए, लैंग्वेज अगर ठीक रहेगी तो कंटेंट तो ठीक है उनमें, कंटेंट इसमें भी अच्छा है, इसमें आपकी संजीव वर्मा के लिए, मतलब एग्रीकल्चर को बहुत अच्छा, अच्छे से लिया गया है, जो मेंस के क्वेश्चन आते हैं जहाँ से आपके। संजीव वर्मा की अच्छी है फिर। और एक मेरे पास जो मैं बता रहा श्रीराम श्रीरंगम की, उसमें भी अच्छा है, उसमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज ली गई है, ओके जो मैम, आपकी हेल्प करती है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने जैसे आपको दिया था एथिक्स का, ठीक है, कि ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, शायद ये 2020 में 21 में आया था, कि उन पांच नैतिक लक्षणों की पहचान कीजिए जिनके आधार पर लोक सेवक के कार्य निष्पादन का आकलन किया जा सकता है। ध्यान रखना, सभी ने बहुत अच्छा किया, लेकिन ये लास्ट की लाइन भूल गए, कि मैट्रिक्स में उनके समावेश का औचित्य सिद्ध कीजिए। आपको नॉर्मली ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो आप मैट्रिक्स से दिखाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना, जबकि आपके समय ऐसा क्वेश्चन आए। हाँ, मुन्नल सर के लेक्चर अगर ध्यान रखना, कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा है मुन्नल सर की, अगर मैं बात करूं, हाँ ये बढ़िया लिखा है किसी ने, विनोद मायावी और पट्टा, ठीक, अच्छा है। मुन्नल सर के लेक्चर की मैं बात करूं, अगर आप लेक्चर
लेंगे और उनके साथ कंटिन्यू उनको आप पकड़ पाएंगे तो वो आपके लिए हेल्प कर देंगे। लेकिन उनके बिना लेक्चर लिए बिना वीडियो देखे उनके चीज़ों को समझ पाना आसान नहीं है, ध्यान रखना ये बात। देख लें भाई कंटेंट अच्छा होता है मंडल सर का। ठीक है, अगला किसी ने बोला है कि सर मैं आपके टिक्स के नोट्स टेलीग्राम पर है देखा है, क्या मैं उनको फॉलो कर, आप मेरे टिक्स के नोट्स फॉलो कर सकते हो, बट उनके साथ मैं बोलूंगा एक लेक्सिकॉन बुक है उसकी हेल्प ले सकते हो, और एग्जाम्पल आपको खुद को लेने ही पड़ेंगे। एग्जाम्पल मेरे नोट्स में पूरी तरह नहीं है क्योंकि वो मैंने अलग पेजों में बना रखे हैं अपनी छोटी छोटी लैंग्वेज। ठीक है, तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट नहीं, अगला हम बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन आपने सभी ने लिखा था, बढ़िया लिखा था, लेकिन देखो आप देख लेते जब भी कभी भी आप लोक सेवकों के बारे में लिखें थोड़ा कीवर्ड यूज करें कि लोक सेवक लोक कल्याण संवैधानिक मूल्य और सामाजिक व्यवस्था लोक प्रबंध सुशासन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इस भूमिका निभाने हेतु इनको 5 नैतिक लक्षण या नैतिक लक्षणों का पालन करना बहुत जरूरी है। ये होती है मतलब एक तरह से कनेक्टिविटी ऑफ द पैराग्राफ। तो बहुत सारे लोगों ने अच्छी की है, सभी लोगों ने इसके बारे में बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन की डिमांड थी कि आप इनको मैट्रिक्स में दिखाना है, आपको टेबल बनानी थी इसमें, जो बहुत सारे लोगों ने टेबल नहीं बनाई थी। उसमें ऐसा नहीं है कोई बड़ा इफेक्ट नहीं था, आप टेबल नहीं भी बनाते तब भी आपके नंबर अच्छे आएंगे उसमें, लेकिन यह कि कोशिश करना कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाए हमेशा उसको मैट्रिक्स में बताना है। टेबल में बताओगे तो बहुत आपको सिंपल लिखना होगा, ज्यादा दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है ना, जैसे इसमें मुझे बताना है ये मैट्रिक्स के अंतर्गत अगर मैं बात करूं, मैट्रिक्स में मुझे बताना है तो मैट्रिक्स का मतलब होता है, मैं आप लोगों को बताइए। ठीक है ना, ये आपका मूल्य हो गया, ये औचित्य हो गया। औचित्य मतलब इसके रिलेवेंट क्या है, और चाहे तो आप एक और दे सकते हो उदाहरण, जैसे कई लोगों ने बड़े उदाहरण दिए हर मूल्य के, तो वो आप इसमें एक काम और कर सकते हो। ठीक है ना, उदाहरण का। ठीक है ना, अब मूल्य तो आपको सभी को पता ही है, मूल्य तो बहुत है आपके पास, सत्यनिष्ठा है। ठीक है ना, तो सत्यनिष्ठा का इंपॉर्टेंट क्या है कि नेतृत्व करने के लिए दूसरों को गाइड करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे आप श्रीधरन और कई लोगों ने और भी एग्जाम्पल दिए। भ्रष्टाचार के लिए जरूरी है, लोक हित के लिए, समाज सेवा के लिए जरूरी है, व्यवसायिक दक्षता के लिए जरूरी है, इतने रिलेवेंट है इसके, इतनी औचित्यता है आपके सत्यनिष्ठा की। ठीक है, करुणा देख सकते हो, समाज में जन कल्याण के लिए, वंचित वर्गों के कल्याण के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो गांधी जी या कई और भी, मदर टेरेसा जो भी है आपके लिए, या कई सिविल सर्वेंट भी अच्छा काम कर रहे हैं इस लेवल पर, उनका एग्जाम्पल आप दे सकते हो। जवाबदेहिता जरूरी है, सुशासन की सबसे महत्वपूर्ण आधार आपका जवाबदेहिता है, या नागरिक जनित जो प्रशासन उसके लिए इसका जरूरी है। वस्तुनिष्ठता बहुत जरूरी है, तो वस्तुनिष्ठता मतलब इन सबका मतलब तो आप जानते हो ना, मुझे ये बताइए, जो लोग जुड़े हो बताइए, इनका मतलब तो समझते हो ना आप थोड़ थोड़ा हेलो, जी सर, तो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ, उसमें मतलब आप सभी जी जानते सर, होंगे। वस्तुनिष्ठता का मतलब है जब भी आप कोई डिसीजन लो या कोई निर्णय लो उसमें मतलब आपके रूल रेगुलेशन प्रोसीजर उस पे आधारित, ना कि आपका कोई व्यक्तिगत उसमें कोई मूल्य व्यक्तिगत हित उसमें जुड़ा हुआ हो। ठीक है ना, वो एकदम ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, सबके लिए समान होनी चाहिए, तो इससे ऑब्वियसली पक्षपात रहित ये चीजें होंगी। सहिष्णुता बहुत जरूरी है क्योंकि भारत एक विविधतापूर्ण देश है, तो वहाँ धर्म विभिन्न प्रकार के धर्म है, विभिन्न प्रकार की जाति है, उनके लिए मैंने जस्ट छोटे छोटे लेके, क्योंकि मैं आपके पास थोड़ा समय ज्यादा नहीं होता तो आपको एक एक इनमें एक एक काम करना, एक एक एग्जाम्पल और दे देना, सहिष्णुता के बहुत एग्जाम्पल है तो एक एक एग्जाम्पल इसमें आप ले सकते हो, और लिखना है कि इसलिए लोक सेवकों को जन केंद्र जन कल्याण का सुशासन हेतु इन 5 लक्षणों का पालन करना जरूरी है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बट आप आराम से इसमें 6 नंबर 5 नंबर प्लस अच्छे से इसमें कर सकते हो, बहुत सारे लोगों ने इसे बहुत बढ़िया लिखा था, तो ऐसा कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इन क्वेश्चनों में एग्जाम्पल की जरूरत पड़ती है ध्यान, इसलिए थोड़ा एथिक्स में हर टर्मोलॉजी के साथ दो दो तीन तीन एग्जाम्पल रख लेना ताकि वो आपको काम आए। ठीक है, तो अब किसी प्रकार कोई डाउट रहा हो तो बताइए, अदरवाइज हम इसको बैंड अप करते हैं। ठीक है, और आपकी कॉपी हम कोशिश करूंगा मैं आज आपकी कॉपी आपको दे दी जाए डे 6 तक की, तो कम से कम डे 5 या डे 6 तक की कॉपी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, 5 तक की कोशिश करेंगे कि वो भी मिल जाए। ठीक है, सर इन क्वेश्चनों में इंट्रो नहीं रहेगा क्या सर, किसमें हैं इसी वाले क्वेश्चन में तो जिसमें है मैडम, पांच ये क्या है, जी ये क्या है आपके सामने लिख रहा है, ये जो लिख रहा है लोक सेवक जन कल्याण संवैधानिक मूल्यों लोक हित प्रबंधन लोक वित्त प्रबंधन, ये सब क्या इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है। आप ऐसे कीवर्डों में उसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। कई लोग क्या करते हैं कि मूल्यों का डेफिनेशन लिखते हैं, कई लोग इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि लोक सेवकों की डेफिनेशन लिखते हैं, तो सब चल जाती है। ठीक है ना, लेकिन मैंने इनको इसलिए लिखा क्योंकि इनके लिए रिलेवेंट, ये रिलेवेंट है,
एक तरह से कह सकते हैं कि इनके लिए औचित्य है कि उनके पास मूल्य होने चाहिए। तो ये एक तरह से इंट्रो हो गया मैडम, ठीक है ना। सर हमने थोड़ा दूसरी तरीके से लिखा था, मतलब इसमें हमने सारे देखो लिख बोले कितने भी हैं। तरीके से सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये लिखा है तो यही कोई परफेक्ट है, लेकिन कोशिश करो कि क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग हो। बस मैंने देखा है, मतलब मुझे लगता है डेट 4 तक की मैंने कॉपी सारी कर दी, मैंने देखा है सभी का, तो बढ़िया लिखा है इंट्रोडक्शन, कोई सिविल सेवक की डेफिनेशन देने लगा हुआ है और कोई नैतिक मूल्यों की डेफिनेशन देने लगा हुआ है, तो आप दोनों काम कर सकते हो। हाँ ऐसे की भी चेक करेंगे आपकी, है ऐसे 3-4 कॉपी आई है, और भी आया तो थोड़ा सही रहेगा, मैं एक साथ फटाक दिन से कर दूंगा। तो ऐसे लिखने की भी प्रैक्टिस आप थोड़ी कीजिए, अच्छा बुरा जैसा भी हो लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना, ताकि हम अगला ऐसे आपके सामने अपलोड कर पाए। और ऐसे के दोनों टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, काफी अच्छे हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा लगा है, आप उनकी कॉपी देख सकते हो, ठीक है। तो कीजिए मेंस, आप दोबारा बुक्स को अगले देखें उसके लिए शेड्यूल। बुक्स तो यार देखो नॉर्मली एक ही बताता हूँ मैं, एक बुक फॉलो करनी हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना। तो क्योंकि हम इसलिए बुक्स नहीं बताते क्योंकि आपने अलग तरीके की चीजें पढ़ी हो, अलग से अपना नोट्स बना के तैयार किया हो, जरूरी नहीं कि आपने वही बुक पढ़ी हो, इसलिए बुक को इसलिए स्पेसिफिक नहीं किया जाता। क्योंकि अगर आपने मान लो किसी ने इकोनॉमिकली रमेश सिंह पढ़ी है, तो किसी ने संजीव वर्मा पढ़ी है, तो दोनों ही ठीक है, तो बुक का नाम इसलिए नहीं लिखते, कहीं कंफ्यूज हो जाए कि नहीं यार मैंने तो ये चीज पढ़ी नहीं थी, सर ने इसका नाम लिख दिया, तो इसलिए हम बुक का नाम नहीं लिखते, ठीक है भाई। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो, कोई डाउट किसी को, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे आदत डालिए। आप में से कुछ लोग बढ़िया लिख रहे हैं, कुछ लोग और बढ़िया कर सकते हैं, कैसे इंट्रोडक्शन में कैसे थोड़ा समय चल रहा है, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया पूछ लेना इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, क्या स्टार्ट करें, ठीक है। और आराम से लिखिए, ये बैच हमारा कोई टाइम पीरियड का नहीं, ये टाइम आधारित नहीं बल्कि आपके क्वेश्चन आधारित, तो आराम से जब आपके क्वेश्चन खत्म हो जाए तब तक चलेंगे, ठीक है। कोई और कुछ कहना चाहता है किसी प्रकार की बात, अदरवाइज इसको बाइंड अप करते हैं। कुछ नहीं है सर, हो गया। ओके थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू थैंक यू, सर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट, बता देंगे। आप क्वेश्चन लिखते रहिए कंटिन्यू, है ना। यस सर, बाय।